जैसे कि हमने आपके प्रोग्राम में आपके साथ जिक्र किया था कि जहाँ भी क्रिकेट की बॉलिंग होती है, चाहे वो फुटबॉल की हो, हार्ड बॉल की हो, पाकिस्तान के लिए दो बॉल की हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में क्योंकि माह को लीग आज शुरू होने जा रही है, तो मैं और शाहिद भाई आज स्पेशली फर्जीवर्ड आपके लिए गुजरांवाले स्टेडियम में मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर बाद जो मार्खोर लीग है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और एक सेरेमनी भी होगी। तो मैं शाहिद भाई से क्विकली जानना चाहूँगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर इन्वाइटेड हैं, तो शाहिद भाई से एक सवाल मैं क्विकली जानना चाहूँगा। शाहिद भाई, लीग के बारे में आपका क्या ख्याल है? शाहिद कौन से जी? बिल्कुल, आज ओपनिंग सेरेमनी है मार्खोर लीग की और ये पहली दफ़ा इस लेवल पे पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा हार्ड बॉल बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन टेप बॉल का इस लेवल का इस प्रॉपर जिन्नाह स्टेडियम में अरेंज किया गया है इसका ओपनिंग टूर्नामेंट का, और बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी और छः से सात आठ टीमें आपस में लीग मैचेज होंगे। फिर इसी तरह जिस तरह पी एस एल में हुआ था, तो बड़े अच्छे तरीके से खलील और अब्दुलरहमान ने इसको अरेंज किया और मैं इन सबको इस बात पर मुबारकबाद पेश करूँ। और एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें कि इनका इससे पहले जो नेपाल के इस किस्म का टूर्नामेंट हमें कुछ पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, एक अच्छा इनिशिएटिव तो इन्होंने लिया है। लेकिन साथ साथ हमारे जो पी एस एल के जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फुटबॉल के क्रिकेट जी, बिल्कुल जिस तरीके से हार्ड बॉल को प्रमोट किया जाता है, ये पहली दफ़ा मैंने कम से कम अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा कि टेप बॉल को इस लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। तो जिस इनिशिएटिव लेने पे खलील और अब्दुलरहमान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। और वो क्रिकेट चाहे वो ग्रास रूट लेवल ये बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा जो शुरू में टेप बॉल ही खेली जाती है और टेप बॉल से वो आगे जाके हार्ड बॉल खेलते हैं, यहीं से प्लेयर आते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है उन प्लेयर्स के लिए जो भी जिन्होंने भी हार्ड बॉल शुरू की, लेकिन टेप बॉल में उनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में, तो उनके लिए अच्छा चांस है कि वो अपने आप को प्रूव करें, क्योंकि ये जियो सुपर पर लाइव ये मैचेज आएँगे तो किसी ना किसी